नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में थे। सभी मुख्य न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ चर्चा हुई और आज आखिरकार कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा विध्वंसक होती है। ये देश के विकास के लिए एक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि दो तीन महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी वेस्ट पॉलिसी है, इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से